Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Shavasti. As we are continuing with our modern history lecture, this is lecture number 8. तो याद होगा अपने लास्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर 7 में गदर मूवमेंट स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में गदर पार्टी का फॉर्मेशन मैंने कर दिया था आपके सामने. उसी लेक्चर को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे. थोड़ा सा रिवीजन बता देता हूँ. गदर पार्टी फॉर्म किसने की थी? लाला हरदयाल ने 1913 में, और इसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को, दैट इज अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में. अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर था, दैट इज यूएसए में. अब उसी मूवमेंट को अपन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. आज हम देखेंगे गदर पार्टी तो फॉर्म हो गई, गदर म्यूटिनी कैसे हुई उस पर डिस्कशन होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले जब गदर पार्टी फॉर्म हो चुकी थी उसके बाद इंसिडेंट क्या हुए? दो मेजर इंसिडेंट हुए. तो टू मेजर इवेंट्स ऑकर इन 1914, और ये दो मेजर इंसिडेंट ही गदर म्यूटिनी की ओर बढ़ेंगे. तो ये दोनों इंसिडेंट थे क्या? पहला था कोमाकाटा मारू इंसिडेंट, ठीक है, और जो सेकंड था वो था आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, आई थिंक आपको पता होगा, 1914 से 1918 है, ठीक है, आपको याद रखना है. और ऐसे ब्रिटिशर्स इस वर्ल्ड वॉर को लड़ेंगे, ऑफ कोर्स एंड में जीत ब्रिटिशर्स की ही होगी, ठीक है. तो चलिए एक एक करके इंसिडेंट लेते हैं. पहला लेते हैं कोमाकाटा मारू इंसिडेंट. ये इंसिडेंट था क्या? एक्चुअली ये कोमाकाटा मारू है क्या? ये एक्चुअली एक शिप का नाम है. क्या है? इट्स अ शिप नेम. एग्जाम में आ सकता है ये है क्या, तो याद रखिए इट्स अ शिप नेम. इंसिडेंट ऐसा हुआ कि एक जापानी शिप थी, ठीक है, जिसको हायर किया था एक बिजनेसमैन ने जिसका नाम था गुरदीप सिंह, ठीक है. उस टाइम में बता दूं कनाडा जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है वो ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी, और बहुत से लोग इंडियंस जो हैं जो वर्ल्ड में हैं वो माइग्रेट करते थे कनाडा में. आजकल आपको पता भी होगा कनाडा में बहुत से पंजाबीज हैं, है ना, तो कनाडा में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ करता था, ठीक है. तो क्या हुआ, ये जापानी शिप हायर की गई गुरदीप सिंह द्वारा, और इस शिप में अराउंड 370 पैसेंजर्स थे, जो पैसेंजर्स सिख भी थे, इवन पंजाबी मुस्लिम्स भी थे, ठीक है. तो इस में 370 पैसेंजर्स थे. ये उन्होंने जो शिप लिया ये जापान से सिंगापुर गया, और फिर सिंगापुर से याद रखिए वैंकोवर गया. वैंकोवर कहां पर है? इट्स अ प्लेस इन कनाडा. तो आप देख रहे हैं जापान से सिंगापुर से वैंकोवर कनाडा पहुंचा, और ये स्टार्ट हुआ था अप्रैल 1914 की बात है जब ये शिप वहां से चला, और अराउंड वैंकोवर में पहुंच गया मई 1914 में, मतलब मई 2014 में ये कहां पहुंच गया? वैंकोवर में पहुंच गया. अब हुआ क्या कि बिकॉज द प्रेशर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि कनाडा किसी कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स ने प्रेशर किया कनाडा पे कि हम ऐसे इंडियंस जो आ रहे हैं, ठीक है, जो माइग्रेट कर रहे हैं कनाडा में, वो कनाडा में एंट्री ना दे, क्योंकि वो हो सकता है कनाडा में प्रॉब्लम्स क्रिएट करें. तो उन्होंने क्या किया, स्टॉप कर दिया किनको, इनकी शिप को, कहां पर? जब ये वैंकोवर पहुंचे उनके हार्बर पे ही, मतलब जहां पर उनको उतरने नहीं दिया कनाडा में, ठीक है, स्टॉप कर दिया, और करीबन 2 महीने तक वो शिप में ही रहे. तो आप सोच सकते हैं क्या हालत होगी, ना खाने को ना पीने को, और फिर 2 मंथ से वो उसी शिप में है, ठीक है. तो उनका जो भी रिसोर्सेस थे शिप के वो सब खत्म होते जा रहे थे, ठीक है, और दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द कनाडा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश प्रेशर, ठीक है. रीजन मैंने लिखे भी रखा है ब्रिटिशर्स, ठीक है. तो पहला तो ये हुआ उनके साथ. अब सेकेंड इसी टाइम पे क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है, दैट इज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है. मैंने भी लिख रखा वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड. अब वर्ल्ड वॉर वन होने की वजह से क्या होता है, ब्रिटिशर्स ऑर्डर देते हैं कि जितने भी शिप हैं, ठीक है, जो ऑफ कोर्स इंडिया के अराउंड हैं, ठीक है, मतलब इंडिया के शिप्स हैं और इधर उधर कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, इंडियंस हैं जिस शिप में, उस शिप को इंडिया वापस आना पड़ेगा. तो कोमाकाटा वन ऑफ द शिप, उसको ऑर्डर मिलता है कि शिप हैज टू रिटर्न टू इंडिया, उसे इंडिया वापस आना पड़ेगा. आप सोच सकते हैं 2 महीने से उनको एंट्री नहीं मिल रही है कनाडा में, अब उनको आप बोल रहे हो वापस इंडिया हो आप, ठीक है, तो उनको इंडिया, ये ऑर्डर कौन इशू करता है? ब्रिटिशर्स. अब क्या होता है, ये जो शिप रहती है ऑफ कोर्स उसका उसको वहां से निकलना पड़ता है, और वो कलकत्ता पहुंचती है. कलकत्ता का पोर्ट था बजबज पोर्ट, ठीक है, तो बजबज पोर्ट पहुंचती है, दैट इज द कोमाकाटा मारू जो शिप थी वो वापस पहुंचती है इंडिया में, ठीक है, और कलकत्ता के पोर्ट पे पहुंच जाती है अराउंड सितंबर 1914 में, ठीक है. अब क्या होता है, देखिए, अब ब्रिटिशर्स बेचारे वैसे ही परेशान है जो उतनी वहां पे कनाडा में एंट्री नहीं मिली, नाउ दे हैव कम टू वेयर, दे हैव कम टू इंडिया. अब उनके लिए क्या होता है, व्हाट दे हैव डन कि यहां पर पुलिस एक्शन लेती है उनके खिलाफ, ठीक है, उनको कहते हैं कि यू शुड गो टू पंजाब, आपको सबको पंजाब जाना चाहिए, ठीक है, शिप आप ट्रेन में बैठी हो पंजाब जाइए, बट दे रिजेक्टेड कि दे शुड नॉट गो टू पंजाब. तो इस पर पुलिस एक्शन लेती है उन पर, ठीक है, और इस एक्शन में अराउंड 22 लोग, अराउंड 22 पीपल डाइड, ठीक है. तो आप देख सकते हैं 22 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश एट्रोसिटी, आप कह सकते हैं, ठीक है. अब इस पर क्या होगा, ऊपर आते हैं अपन, इस पर होगा क्या, अब इसमें देखिए ब्रिटिशर्स ने जो किया गदराइट्स के साथ, मतलब एक जो
पंजाबी सिख्स और ये सब था, तो इससे गदराइट्स बहुत गुस्सा होते हैं। देखिए व्हाट, तो गदराइट्स एक प्लान बनाते हैं कि अब ब्रिटिशर्स में अटैक करने का टाइम आ गया है। दे चूज द डेट ऑफ 21 फेब 1915, याद रखना आपको गदर म्यूटिनी की डेट थी है 21 फेब 1915। ठीक है, गदराइट्स ये अनाउंस करते हैं कि वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी फाइटर्स हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, दे शुड गो टू इंडिया, इंडिया पहुंचे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट चालू कर दें। ठीक है, दे हैव प्लान्ड दिस थिंग। ठीक है, इस पे क्या होता है, इस एक्शन को लेते हुए दो फेमस पर्सनालिटी जो गदर पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी रहे, दैट इज कत्तर सिंह और दूसरा रघुबार दयाल गुप्ता, ये दोनों इंडिया की ओर रवाना होते हैं टू लीड द मूवमेंट की गदर मूवमेंट, अब गदर म्यूटिनी करनी है, आर्म रिबेलियन करना है, ब्रिटिशर्स को परेशान करना है। बट ब्रिटिशर्स इस चीज के लिए पहले से ही रेडी रहते हैं। वो क्या करते हैं, जितने भी लीडर्स हैं, ठीक है, इस मूवमेंट के होने वाले हैं, उनको पहले से इंफॉर्मेशन लग जाती है और उन सारे लोगों को पहले ही अरेस्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर फिर जो बंगाल के दो फेमस पर्सनालिटी हैं, राज बिहारी बोस और दूसरा सचिन सान्याल, इनको बोला जाता है कि आप गदर मूवमेंट को लेड करिए जाकर। लेकिन ऑफ कोर्स ये जाते तो हैं, लेड करते हैं, बट एक्चुअली जो मेन लीडर्स हैं वो तो अरेस्ट हो चुके हैं, तो लीड करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनका नाम मैंने आपको पहले ही बताया था कि राज बिहारी बोस और सचिन सान्याल आर रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू गदर, लीडिंग गदर मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन ब्रिटिशर्स अगेन एक एक्ट पास कर देते हैं, दैट इज डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, और इस एक्ट के अंदर जितने भी गदराइट्स हैं जो भी ऐसे रेवोल्यूशन कर रहे थे उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था और कुछ को बाद में भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जिससे गदर मूवमेंट एक तरीके से इंडिया में स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाती है, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं हो पाया इंडिया में। ठीक है, तो अगर मैं कंक्लूजन पूछूं, ठीक है, कि गदर पार्टी बनी, फिर उन्होंने गदर पार्टी यूएस में बनाई, फिर उसका मूवमेंट उन्होंने इंडिया में स्टार्ट करने की कोशिश की, इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये देख सकते हैं अपन कि एक पॉजिटिव कंक्लूजन है सेकुलर अप्रोच, कि आप देख सकते हैं इसमें जो लोग हैं, ठीक है, ब्रिटिश मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, तो एक सेकुलर अप्रोच थी मूवमेंट, एक गदराइट मूवमेंट जो है, गदर म्यूटिनी जो हुई है, इट्स अ सेकुलर अप्रोच, क्योंकि इसमें हिंदू भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं। ठीक है, और आइडियोलॉजिकली देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी, दैट इज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, बट इसके स्टिल देयर लॉट्स ऑफ लैकिंग पॉइंट्स इन गदर मूवमेंट। वो क्या थे, देखिए लैक क्या था, पहले उनका कोई लीडरशिप नहीं थी, प्रॉपर लीडरशिप नहीं है, देखा जाए सेकंड कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है उनके ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, जो गदर पार्टी बनी उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, एक यूएस में बैठे हुए हैं, वहां से ऑर्डर कर रहे हैं इंडिया में, तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन चैनल की वीकनेस है। ठीक है, फिर फाइनेंशियली भी उनका इतना पैसा नहीं है कि इतना मूवमेंट को इतनी देर तक लेड कर सके, है ना, एंड लैक इन स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिकली भी वो वीक है, तो ये सब देखा गया जिसकी वजह से गदराइट मूवमेंट इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बट स्टिल इट गिव्स अ एक बेसिक उन्होंने फॉर्मेशन जो पॉजिटिव दिया वो है सेकुलर अप्रोच। ठीक है, अब इस गदर मूवमेंट के बाद द नेक्स्ट टॉपिक होने वाला था, वो था होम रूल लीग। ठीक है, लेकिन होम रूल लीग से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक्चुअली वाइल डीलिंग विद मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, जब मैं डील कर रहा था 1905 में स्वदेशी मूवमेंट, तो एक टॉपिक मिस हो गया था, तो मैं उस टॉपिक को आज कंप्लीट कराना चाहता हूं, तो उस टॉपिक को अपन देख लें, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, जो 1906 में बन गई थी। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को चाहें तो स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं, वरना यहां पर मिस टॉपिक करके भी ऐड ऑन कर लीजिए आप। ठीक है, ये टॉपिक 1906 में मुझे ऐड करना था, याद होगा आपको 1905 में बनारस सेशन मैंने कराया था, 1906 में मैंने कलकत्ता सेशन कराया था, ठीक है, और 1907 में सूरत स्प्लिट कराया था, सूरत सेशन में, तो उसी टाइम पे 1906 में एक बहुत मेजर अचीवमेंट होने वाली है, वो अपन देख लेते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो देखिए मिस टॉपिक है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग बनी कब याद रखिएगा, 1906 में। अब ये मुस्लिम लीग बनाने का एजेंडा क्या था, देखिए कांग्रेस तो बन गई थी 1885 में, अब ये प्रमोट किया जा रहा था, जो कांग्रेस बॉडी है एक्चुअली वो एक हिंदू डोमिनेटेड बॉडी है, आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं, जब पहली कांग्रेस की सेशन हुई थी, that is 1885, out of 72 delegates, only 2 people were Muslims, तो आप देख सकते हैं maximum इसमें कौन है, हिंदू dominated है, ऐसा प्रमोट किया जा रहा था कांग्रेस को। ठीक है, तो यहां पर ये हुआ ब्रिटिशर्स को, और ये भी डर था यूनिटी ऑफ इंडिया पे, कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहे तो रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑलरेडी हो चुका है, तो दे डजंट वांट अ यूनिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि यूनिटी ऑफ इंडिया से नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, विच इज हार्मफुल फॉर ब्रिटिशर्स टू रूल इन इंडिया, तो उन्होंने क्या किया, लेट्स ब्रेक दिस यूनिटी, और इस यूनिटी को ब्रेक करने का एक ही तरीका था, दैट इज डिवाइड एंड देन रूल, इसे दे हैव मेड अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू ब्रेक द यूनिटी इन इंडिया, तो उनका मुस्लिम्स को हिंदू से अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो इसकी अगर देखा जाए तो
ये शुरुआत अगर देखिए सबसे मेजर शुरुआत ये कि लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड मिंटो कौन थे, लॉर्ड मिंटो वाज़ द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, मैं बता दूं उस टाइम पे भारत के वॉइसरॉय थे, 1906 की बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम पे वॉइसरॉय इंडिया कौन थे, लॉर्ड मिंटो। अब लॉर्ड मिंटो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे, तो क्या होता है इनसे कुछ लोग मिलने जाते हैं जो मुस्लिम डेलीगेट्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। 1 अक्टूबर 1906 में इस जो मिलने गए थे उसको लेड करते हैं आगा खान, याद रखिएगा, है ना। और ये मिलते हैं लॉर्ड मिंटो से शिमला में जाकर, ठीक है। और इनका क्या कहना है वहां जाकर, इनका कहना है कि हमें ऑफ कोर्स वी नीड सर्टेन थिंग्स फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। तो मिंटो इनको प्रॉमिस कर देते हैं, मिंटो क्या प्रॉमिस करते हैं लॉर्ड मिंटो कि यस टू सेफगार्ड मुस्लिम इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल राइट, आई विल सेफगार्ड द मुस्लिम इंटरेस्ट, जो मुस्लिम के इंटरेस्ट हैं और जिनके पॉलिटिकल राइट्स हैं मैं उसको सेफगार्ड प्रोवाइड करूंगा, ऐसा मिंटो बोल देते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा तो इससे मुस्लिम लीग को, जो मुस्लिम से रहते हैं जो मिलने गए थे उनको अच्छा लगता है कि दे हैव गॉट सर्टेन व्हाट, दे गॉट सर्टेन सेफगार्ड, मतलब ऐसा बोला गया, ऐसा प्रॉमिस दिया गया है, बाय हुम, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो इस प्रॉमिस को प्रूव भी कर देते हैं 1909 में, ठीक है, थ्रू व्हाट, थ्रू द हिज रिफॉर्म एक्ट दैट इज नोन एज मॉडली मिंटो रिफॉर्म 1909। ये मॉडली मिंटो रिफॉर्म 1909 में आता है, मैं बता दूं, है ना, देखिए 1909 में है, इसको अपन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं, ठीक है। इसको अगर आपको डिटेल में देखना हो तो मेरा आप प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी लेक्चर सीरीज को ओपन करिए, उसे पॉलिटी लेक्चर सीरीज 9th में, ठीक है, 9th चैप्टर में, 9th लेक्चर में मैंने मॉडली मिंटो रिफॉर्म डिटेल में बताया हुआ था, आप उसको जाकर देख सकते हैं वैसे तो, ठीक है। अब इसमें मेन हुआ क्या मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, मॉडली मिंटो रिफॉर्म में उसने एक प्रोविजन रखा, मॉडली उस टाइम पे मैं बता दूं आपको भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो मिंटो थे वो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। तो जो मॉडली मिंटो रिफॉर्म था इसमें उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट इशू किया, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, आपको याद रखना सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इसका मतलब ये था अगर जहां पर भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया है मुस्लिम्स को, इसका मतलब वहां पर कैंडिडेट जो खड़े होंगे वो मुस्लिम्स होंगे और उसको जो वोट करेगी वो पॉपुलेशन भी मुस्लिम होगी। जबकि रिजर्वेशन में क्या होता है, अगर रिजर्वेशन मुस्लिम्स को मिलता है तो इलेक्शन में तो रिजर्वेशन में मुस्लिम खड़े होंगे बट वोट तो हर जनता करती है ना, बट सेपरेट इलेक्टोरेट में ऐसा नहीं होता है। तो दे प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू हूम, टू मुस्लिम, दैट इज कैंडिडेट इज मुस्लिम एंड वोट ऑल्सो फॉर मुस्लिम। तो उन्होंने देखिए यहां पर टू सेफगार्ड द मुस्लिम्स पॉलिटिकल राइट, उन्होंने मुस्लिम्स को क्या प्रोवाइड कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट इन 1909। तो मिंटो ने अपना प्रॉमिस 1909 में पूरा भी किया है, ठीक है। अब देखिए ये सेपरेट इलेक्टोरेट उसने प्रोवाइड किया हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए, सबसे बेस्ट डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी ये सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को हम कहते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। पूछा था हु इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, तो आंसर वुड बी लॉर्ड मिंटो, ठीक है। अब हम तो ये तो मिंटो ने कर दिया जो प्रॉमिस किया था। अब देखिए जब ये मिलने गए 1 अक्टूबर 1906 को, ठीक है, तो उन्होंने प्रॉमिस किया मिंटो ने कि विल प्रोवाइड सेफगार्ड हम करेंगे। तो मुस्लिम लीग इन्होंने क्या किया, ढाका में ये लोग मिले मुस्लिम्स, ठीक है, और उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की। तो याद रखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906 और इसके फाउंडर रहे नवाब ख्वाजा सलीमुल्ला, याद रखिए नवाब ख्वाजा सलीमुल्ला। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सलीमुल्ला पूछा आता है हु इज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, तो सलीमुल्ला ने इसको फॉर्म किया, ठीक है, ढाका में, ठीक है, और ही प्रपोज द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में एस्टैब्लिश हो गई। अब देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो लखनऊ था, कंफ्यूज मत होइए, ढाका इज जस्ट जहां लोग मिले थे तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, बट हेडक्वार्टर इज एट लखनऊ। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने वो आगा खान बने। तो याद रखिएगा फॉर्मेशन आगा खान ने नहीं किए, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। और खास बात यह है इस मुस्लिम लीग में मैं आपको बता दूं मोहम्मद अली जिन्ना 1913 तक, 1906 में बन चुकी, 1906 में इट वाज फॉर्म, टिल 1913 अली जिन्ना इसके पार्ट नहीं रहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस ओनली, ठीक है, तो नॉट ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग टिल 1913, बट उन्होंने ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था उसको सपोर्ट किया था, याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। अब मुस्लिम लीग बन गई, आप सोचोगे 1906 बन गई, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, देखिए उस टाइम पे याद है ना आपको पार्टीशन हुआ था, किसका, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ठीक है, और ये जो पार्टीशन बंगाल का हुआ था वो हुआ था आपको याद हो 1905 में। तो ये मुस्लिम लीग जो थी इसे सपोर्ट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, दैट्स व्हाई सेड दे सपोर्टेड द बंगाल पार्टीशन, जो कांग्रेस अपोज कर रही थी मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही थी। तो देख रहे हैं आप किससे हिंदू मुस्लिम के बीच में
में एक तरीके से डिवाइड कर दिया इन्होंने, ठीक है। दूसरा, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था मुस्लिम लीग का, पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम को सेफ गार्ड करना, ठीक है, मुस्लिम को सेफ गार्ड, इंटरेस्ट उनके राइट्स को सेफ करना, ठीक है, और लॉयल टू ब्रिटिशर्स रहना, मतलब ब्रिटिशर्स के टुवर्ड्स व्हाट रहना, लॉयल रहना, ये इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के अपोजिशन में उन्होंने क्या खड़ा कर दिया, दैट इज मुस्लिम्स की डोमिनेटेड पार्टी, दैट इज मुस्लिम लीग, तो आपको याद रखना। और अचीवमेंट की बात करूं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके पास एक, कि 1906 में मुस्लिम लीग बनी और विद इन 3 इयर्स मिंटन उनको क्या प्रोवाइड कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट, जो उनकी डिमांड भी थी। तो आप देखते हैं विद इन 3 इयर्स, अचीवमेंट की बात करूं तो विद इन 3 इयर्स ऑफ फॉर्मेशन सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर गिवन टू मुस्लिम्स, ठीक है। तो आपको याद रखना मुस्लिम लीग फॉर्म किसने की, कब फॉर्म हुई, किसने फॉर्म की, हेडक्वार्टर कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है मुस्लिम लीग के लिए, ठीक है। अभी मुस्लिम लीग और एक तरीके से दो पार्टी हो जाएंगी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ठीक है। अब अपन अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे होम रूल लीग, उसी में अपन एक पैक्ट करेंगे, एक सेशन करेंगे कांग्रेस की, दैट इज लखनऊ सेशन। मुस्लिम लीग फिर से वहां पिक्चर में आएगी और फिर अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस, बार बार मैं इनका नाम यूज करता रहूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर, यहाँ लेक्चर कंप्लीट करता हूँ मैं आज का, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो आप उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट करें, इफ यू फाइंड एनी ऑफ द क्वेरीज यू कैन कमेंट ऑन आई इनबॉक्स, आप सॉरी नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। इफ यू नीड एनी हैंड रिटन नोट्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री या किसी भी अदर सब्जेक्ट से यू नीड नोट्स, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।